जय हिंद दोस्तों। रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसमें ज्योमेट्री का आज ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास ज्योमेट्री का हो चुका है, बेहतरीन प्रश्नों को किए थे उस वीडियो के अंदर और साथ में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, बेसिक भी और साथ में ट्रिक भी। आज के क्लास में भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास आपको पूरा देखना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा। अब ऐसे सवाल आपके रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एएलपी टेक्नीशियन ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल ले लीजिए या फिर एनटीपीसी ले लीजिए, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। प्रश्न पढ़िए क्या दिया गया है, फिर इसका कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। एक सम सप्तकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ना, तो उसमें सभी भुजाएं बराबर हों। एक चतुर्भुज ले लीजिए, उसमें सभी भुजाएं बराबर हों। एक पंचभुज ले लीजिए, उसमें सभी भुजाएं बराबर हों। एक षटभुज ले लीजिए यानी कि हेक्सागन, उसमें सभी भुजाएं बराबर हों। तो उनको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं यानी कि सम बहुभुज बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। अब सम बहुभुज में दो चीज़ें होती है, एक आंतरिक कोण होता है यानी अंदर वाला और एक बाह्य कोण होता है। तो पहले आंतरिक कोण को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद बाह्य कोण को हम लोग समझेंगे। देखिएगा, हम यहाँ पे एक षटभुज का एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। ठीक है, ये हमारे पास एक सम षटभुज है, मतलब कि इसकी सभी भुजाएँ आपके बराबर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो तरह के कोण बनेंगे। दो तरह के कोण कौन कौन से बनेंगे, एक तो इंटरनल एंगल, एक एक्सटर्नल एंगल। अब इंटरनल एंगल कहाँ पे बनेगा, तो इंटरनल एंगल आपका ये वाला हो गया, है ना, ये आपका इंटरनल एंगल हो गया। अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो एक्सटर्नल एंगल अगर हम इस वाले को थोड़ा सा इधर बढ़ा दें, है ना, इधर बढ़ा दें ऐसे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये आपका एक्सटर्नल एंगल होगा। ठीक है, ये इंटरनल एंगल और ये आपका एक्सटर्नल एंगल। अगर हम लोग इंटरनल एंगल को एक्स माने तो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा यानी बाह्य कोण बाई हम लोग ले लेंगे, मान लेंगे। अब एक चूंकि ये सम बहुभुज है, मतलब कि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो जो इसमें इंटरनल एंगल आएगा सभी जगह, जैसे ये एक इंटरनल एंगल हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। तो जितने भी इंटरनल एंगल आएंगे वो सारे के सारे एंगल बराबर होंगे और जितने एक्सटर्नल एंगल आएंगे वो भी बराबर होंगे। सम बहुभुज की यही खासियत है, इंटरनल एंगल भी बराबर होते हैं सब जगह और एक्सटर्नल एंगल भी बराबर होते हैं। अब यहाँ पर किसी भी सम बहुभुज के बारे में, किसी भी सम बहुभुज के बारे में एक बहुत ही खास बात होती है कि जो एक्सटर्नल एंगल का सम होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल, यानी कि सभी बाह्य भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना, ये हमेशा कितना होता है, ये कितना होता है, तो यहाँ पे ये होता है आपका 360 डिग्री ये होता है, माने कि सभी एक्सटर्नल एंगल को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 360। ठीक है, इंटरनल एंगल अलग अलग हो सकता है, जैसे त्रिभुज में आपका 180 डिग्री होता है अंतः कोणों का योग, ऐसे ही चतुर्भुज में आपका 360 डिग्री होता है, पंचभुज में अलग होता है, षटभुज में अलग होता है, तो आंतरिक कोण अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एंगल जो बाह्य कोण है वो आपके किसी भी बहुभुज में ले लीजिए, सभी एक्सटर्नल एंगल को जोड़ने पर कितना मिलता है हमको 360, ये ऑलवेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, है ना, क्योंकि मेन वही है आपका। देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल जानिए, है ना, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों 360 डिवाइड बाई एन। एन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भुजाओं की संख्या, जैसे इसमें 6 भुजाएँ हैं ना क्योंकि ये षटभुज है, पंचभुज होगा तो उसमें 5 भुजाएं होंगी यानी n की वैल्यू 5 होगी, तो n मतलब भुजाओं की संख्या, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल। अब यहाँ पे इंटरनल एंगल देखिए, इंटरनल एंगल ठीक है, इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण या अंतः कोण इसी को कहते हैं। तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 360 बाई n। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये 360 बाई एन तो हमारा एक्सटर्नल एंगल है। भाई देखिए ना, यहाँ पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एक की बात कर रहे हैं,
एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होता है, है ना। तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्सटर्नल एंगल, यानी 360 अपॉन एन, ठीक है। इसी को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एंगल को ये लिख सकते हैं हम लोग, एन माइनस टू डिवाइड बाई एन इंटू 180, इसी चीज़ को, ठीक है, 180 डिग्री इस तरीके से। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाता है, क्लियर हो गई ना। तो इस तरीके से ये तो दोनों फार्मूले याद रखिएगा, जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग लगा लेंगे। अब आइए इस सवाल पे, सवाल क्या कह रहा है आपको देखिएगा। तो सवाल में आपको ये बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे एक समसप्तकोण है, मतलब कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी इसमें, एन बराबर 7 हो जाएगी। इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का, यानी हर एक आंतरिक कोण कितना होगा। तो इंटरनल एंगल का फार्मूला क्या बताया अभी, इंटरनल एंगल है ना, इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण, क्या फार्मूला होता है, 180 माइनस 360 अपॉन एन। या तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए या फिर इसके नीचे वाला फार्मूला लगा दीजिए, दोनों से आपका वही सेम आंसर आएगा, है ना। नीचे वाला फार्मूला लगाना ज़्यादा आसान होता है, कौन सा, एन माइनस टू डिवाइड बाई एन इंटू 180 डिग्री, ठीक है, लगाइए। चलिए n की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 माइनस टू कितना हो गया, 5 हो गया, डिवाइड बाई आपका n मतलब 7 इंटू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री कितना हो गया, ये ऊपर गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 मतलब 900, और डिवाइड बाई 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 7 एकम 7 बचा आपका कितना, 2, तो 20 हो गया, 7 दूना 14, फिर बचा आपका 20 था ना, तो 14 कितना हो जाएगा, 60, है ना, 6 बचा तो 60, तो 7 8 56, फिर बचा 4 तो 40 हो गया, मतलब कि 7 पंद्रह 35, 128.5 कुछ आएगा, 128.5 ये वाला सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, इन फार्मूलों की सहायता से आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल वाले सवालों को कर पाएंगे, है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े हम लोग, आ जाइए दोस्तों यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है, अन्य दो कोण 2 और 5 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिएगा इसमें कह रहा है कि त्रिभुज का एक ठो कोण 82 डिग्री का है ना, एक ठो कोण 82 डिग्री का है, और बाकी के दो कोण जो बचे हैं उनका रेशियो दिया गया है, कोण नहीं बताया है, रेशियो बता दिया गया है कि भाई 2 और 5 के रेशियो में होंगे। अब ये बताइए कि अगर एक कोण आपका 82 डिग्री है तो बाकी के दो कोण मिलाकर कितने होंगे, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए, टोटल इंटरनल एंगल एक त्रिभुज के अंदर तो वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री में से टोटल 180 तीनों, है ना, तीनों मिलाकर 180, उसमें से एक ठो 82 डिग्री का है, एक 82 डिग्री का है आपका, तो बाकी जो दो ठो कोण होंगे वो कितना हो जाएंगे, 180 में हम लोग 82 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, है ना, ये आ गया। यानी बाकी के जो दो कोण हैं वो मिलाकर कितना होंगे, 98 डिग्री होंगे, क्लियर हो गई बात। क्योंकि भाई देखिए ना, तीनों मिलाकर आपका 180 होना चाहिए, तो एक आपका 82 है तो बाकी दो मिलाकर कितना होंगे, 98 होंगे। अब इसमें बोला कि बाकी जो दो कोण हैं उनका रेशियो क्या है, 2 और 5 का, तो अगर दोनों कोणों का योग देखें तो कितना होगा, यहाँ पे 7 यूनिट हो जाएगा, रेशियो में 2 और 5 7 यूनिट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में आपका दोनों कोणों का योग 98 डिग्री है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 14 × 7 = 98 होता है कि नहीं। अब क्या बोला है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण आपको यहाँ से मिलेगा 2 यूनिट, है ना भाई, एक की वैल्यू 14, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 28 डिग्री, ठीक है, 1 की वैल्यू 14 तो 2 की वैल्यू 28 डिग्री, है ना। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 का वैल्यू 14, तो 5 का वैल्यू 14 × 75 डिग्री हो जाएगा, क्लियर हुआ ना। तो छोटा कोण पूछा था, 28 डिग्री करेक्ट आंसर आएगा। चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन कॉन्सेप्ट पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और ये जो पूरा सीरीज चल रहा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप शुरू से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आइए इस प्रश्न में क्या दिया गया है। यदि दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, मतलब AB और BC, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो जब दो भुजाएं बराबर होती हैं इसका मतलब क्या होता है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आपका जिसमें दो भुजाएं बराबर वो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, बाइलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है,
एंगल बी जो है वो एक्स के बराबर है और एंगल ए 2x माइनस 20 है, तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, यानी ये एंगल आपका कितना होगा। अब सुनिएगा यहाँ पे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने का एंगल भी बराबर होता है। जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने का एंगल बराबर होता है, मतलब ये और ये भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। तो मतलब ये 2x माइनस 20 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 2x माइनस 20 हो जाएगा, 2x माइनस 20 डिग्री। समझ में आ गई बात की नहीं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों को जोड़ दीजिए 180 आ जाएगा, है ना। तो पहला आपका x है और दूसरा कितना है 2x माइनस 20, और तीसरा कितना है 2x माइनस 20, है ना। ये सब के सब मिलाकर कितने होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। कैलकुलेट करिए, x + 2x + 2x यानी कि टोटल हो गया आपका 5x, इधर -20 -20 -40 हो गया, -40 उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा, यानी 18 × 4 आपका 22 हो जाएगा, मतलब 220, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकालिए तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, है ना। तो 5 × 20 फिर 5 × 20 यानी x की वैल्यू हो गई 44 डिग्री। एंगल B आपका x ही है और इसी का वैल्यू पूछा था 44 डिग्री, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़िए, चलिए आइए दोस्तों यहाँ पे अब त्रिभुज से रिलेटेड एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। इस दिए गए चित्र में DE BC के पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तथा AD / BD मतलब कि AD और BD का रेशियो जो है वो 3 और 5 दिया गया है। यदि AC जो है A से लेकर C तक वो 4.8 सेंटीमीटर है तो AE का मान क्या होगा, है ना। AE A से लेकर E तक, यानी ये वाला साइड हमको बताना है। देखिएगा, जब आपको एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो A से लेकर D तक, यानी AD बटे A से लेकर B तक AD / AB का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, A से लेकर E तक यानी AE और A से लेकर C तक यानी AC, ठीक है। ये आपका होता है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को कि जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। समझ में आ गई बात। अब सुनिए यहाँ पे क्या बोला है, AD / BD। AD 3 है आपका, है ना। AD आपका कितना है, यहाँ पे 3 है, है ना। AD आपका 3 है और BD आपका 5 यूनिट है, मतलब BD यहाँ पे 5 यूनिट है, B से लेकर D तक और A से लेकर D तक 3 यूनिट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, देखिएगा AD आपका कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो यहाँ पे हो गया 3। रेशियो दिया है तो रेशियो में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक्चुअल वैल्यू 3 और 5 नहीं है, ये रेशियो में दिया है, तो चूंकि यहाँ पे भी हम लोग रेशियो ले रहे हैं, बटे ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी हम रेशियो की वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AD आपका 3 यूनिट हो गया। अब BD देखिए, B से लेकर D तक ये 3 है, ये 5 है, तो A से लेकर, अच्छा AB है ना, तो A से लेकर B तक कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, मतलब AB कितना यूनिट हो गया, 8 यूनिट, बराबर A से लेकर E तक AE, यही तो हमको निकालना है, x मान लीजिए इसको, डिवाइड। अब क्या चाहिए, AC चाहिए, AC आपको दे रखा है 4.8, है ना। A से लेकर C तक ये कितना दिया है, 4.8 दिया है, बस आपका आंसर आ गया, इसको कैलकुलेट करिए, है ना। देखिए कितना हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो 8 × 48 यानी 0.6 होगा, है ना, नीचे नीचे कट सकते हैं, 0.6 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 3 = 18, मतलब 1.8 बराबर इधर क्या हुआ, x, सीधे सीधे x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब कि AE का मान कितना होगा, 1.8, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए दोस्तों देखिएगा इस सवाल को, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें कह रहा है BP जो है वो 3 AP के बराबर है, है ना। BP वो 3 AP के बराबर है, तो AP को अगर हम लोग नीचे ले आएँ, है ना, AP आपका अगर नीचे आएगा AP तो कितना हो जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा 3, इसको 3/1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि CQ जो है वो 3 AQ के बराबर है,
यहाँ पे ये कह रहा है कि सी क्यू जो है वो 3AQ के बराबर है। AQ को अगर नीचे ले आएंगे, AQ को अगर नीचे ले आएंगे तो इधर बचेगा 3, मतलब 3/1 बचेगा, है ना। अब कह रहा है BC जो है, B से लेकर C तक, ये आपका 36 PQ है, 36 है ना, BC जो है 36 है, तो PQ का मान क्या होगा, PQ का वैल्यू बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। BP आपका कितना यूनिट है, 3 यूनिट। AP आपका 1 यूनिट, BP 3 यूनिट, B से लेकर P तक ये 3 यूनिट है, और AP आपका 1 यूनिट है। सेम टू सेम इसमें भी कह रहा है कि भाई AQ 1 यूनिट है, CQ 3 यूनिट है। AQ मतलब ये वाला 1 यूनिट है, और CQ यानी ये 3 यूनिट है। मतलब यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो इस छोटे वाले त्रिभुज का जो दोनों भुजाएं हैं वो 1-1 यूनिट हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज का जो भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं, वो टोटल कितनी हो जाएंगी। यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से ABC ये एक त्रिभुज देखिए, इसमें A से लेकर C तक कितना हो जाएगा, AC आपका, AC ये 3 और 1 4 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब अगर छोटा वाला का एक भुजा 1 यूनिट है, तब बड़े वाले का संगत भुजा 4 यूनिट है, समझ पा रहे हैं। इधर भी देखिए, छोटे वाले के 1 यूनिट, ये वाला छोटे वाले की एक भुजा अगर 1 यूनिट है, तो बड़े वाले त्रिभुज का वही भुजा कितने यूनिट है, 3-1 4 यूनिट है, यानी AB यहाँ पे कितना है आपका, 4 यूनिट है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब दो भुजाएँ 1 और 4 के रेशियो में हैं, तो बाकी की ये जो भुजाएँ हैं, ये वाली है ना, छोटे वाले त्रिभुज का PQ ये भुजा होगा, और बड़े वाले त्रिभुज का संगत भुजा ये BC होगा। तो PQ और BC भी आपका 1 और 4 के रेशियो में होंगी। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि PQ और BC जो होगा, PQ 1 यूनिट होगा, मतलब ये 1 यूनिट होगा, तो ये 4 यूनिट होगा, ये चीज़, ठीक है। बस आपको क्या दिया था, BC 36 दिया था, यहाँ पे 36 रख दीजिए। PQ निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा, PQ/36 1/4, ठीक है। 36 को उधर ले जाएंगे तो 36/4 मतलब 9 आ जाएगा, तो PQ का वैल्यू कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें यही चीज़ देखना था और बाकी कुछ नहीं, क्लियर हो गई बात। संगत भुजाओं का खेल था यहाँ पे और कुछ भी नहीं। आगे चलिए, चलिए देखिएगा इस सवाल को, आ जाइए इसमें। एक त्रिकोण में एक कोण 45 डिग्री है, उसके एक बाजू की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तब उस त्रिकोण के कर्ण की लंबाई बताइए। अब कर्ण दे दिया आपको, तो कर्ण उसी में होता है जो आपका समकोण त्रिभुज होता है। मतलब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात की गई है, है ना, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात की गई है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि एक एंगल आपका 45 डिग्री है, एक एंगल कितना है, 45 डिग्री है। अब ये बताइए, ये एंगल तो आपका फिक्स होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। मतलब ये है कि ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, यानी बाकी के जो दो बचे एंगल हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 आपका होगा, तभी तो दोनों मिलाकर 90 होंगे, और 90 ये 180 हो जाएगा। त्रिभुज में तीनों कोणों को मिलाकर 180 होता ही है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि उसके बाजू की लंबाई, जो एंगल 45 दिया है उसके बाजू का, यानी एडजेसेंट साइड कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो उसके कर्ण की लंबाई बतानी है, यानी ये आपको निकालना है, x मान लेते हैं हम इसको, कर्ण की लंबाई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, बराबर कोण के सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं। फिर से ये स्टेटमेंट सुन लीजिए, बराबर कोण के सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं। 45 डिग्री के सामने की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इस 45 डिग्री के सामने की भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, मतलब ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बराबर कोण है ना। तो बराबर कोण तभी बनेंगे जब उनके सामने की भुजा बराबर होंगे, तो जब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें पाइथागोरस से तो लगाना है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ये हो जाएगा 8, ठीक है। इसको और हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8 को लिखेंगे 4 दूना, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट में 2 बचेगा, 2√2 सेंटीमीटर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। कर्ण की लंबाई पूछी गई थी। आगे चलिए, आ जाइए अब इस सवाल में।
ए भुजा की एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि भैया क्या होता है ना। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिए, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। चलिए तो इसको सीधा कर लिए हम थोड़ा सा, है ना। ये एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि तीनों भुजाएं इसमें क्या होंगी, बराबर होंगी। अब कह रहा है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं और भुजा कितना दिया है, ए दिया है। तो एक भुजा जब ए है तो सारी की सारी भुजाएं ए ही होंगी, है ना। ये भी ए होगा और ये भी आपका ए होगा। निकलता कैसे ये देखिए, बाकी तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई आप जानते हैं कि यहाँ से अगर हम एक लंब डाल दें तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो जहाँ पे ये कट करेगा ये दो बराबर भागों में बांट देगा आधार को, नीचे वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट देगा। मतलब ये भी आपका a बाई टू हो जाएगा, आधा आधा कर देगा। टोटल a था तो आधा आधा कर दिया, इधर भी a बाई टू हो जाएगा। अब जो ये आया है ये आपका इस पर लंब होगा, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये इस पर लंब हो जाएगा। तो एक यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपका ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब है, ये कर्ण है, ये आपका आधार है। निकालिए इसको, यहाँ पे लंबाई यानी x, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब a, a का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार आपका a है, सॉरी a बाई टू है, तो a बाई टू का स्क्वायर, a बाई टू का स्क्वायर मतलब a बाई ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया आपका, हो जाएगा चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर ये हुआ थ्री ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, इतना ही होगा ना। रूट तीन तो रहेगा आपका, है ना। ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो ए आएगा और चार का रूट लेंगे तो दो आएगा, यानी एक्स जो है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। अब समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो एरिया जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि एरिया से भी प्रश्न बनते हैं। एरिया आपका क्या होता है, एरिया होता है वन बाई टू, वन बाई टू बेस इंटू हाइट। बेस आपका कितना है, ये है टोटल का टोटल, मतलब ए है, ये बेस हो गया, इंटू हाइट। हाइट तो अभी अभी निकाले हम लोग, कितना, रूट थ्री अपॉन टू ए, यही तो है हाइट। तो ये हो गया वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया रूट तीन ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, और नीचे दो इंटू दो यानी कि चार। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया का जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है, वो होता है रूट थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर, या फिर रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे इस सवाल को क्या दिया है। एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए माइनस एंगल बी 33 डिग्री है, एंगल बी और एंगल सी 18 डिग्री है, दोनों का डिफरेंस, तो एंगल बी बताना है। एंगल ए को एक्स मान लेते हैं, एंगल बी को वाई मान लेते हैं, एंगल सी को जेड मान लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड लिखना थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए, है ना। तो एंगल ए यानी एक्स माइनस एंगल बी यानी कि वाई, एक्स माइनस वाई आपको कितना दे रखा है, 33 डिग्री दे रखा है। साथ में वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको 18 डिग्री। अब आपको पूछा क्या है, एंगल बी, एंगल बी का मतलब वाई, है ना, वाई पूछा है आपको, कैसे करेंगे देखिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट जानते हैं आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, 180 डिग्री। आपको पूछा क्या है, वाई ना, तो इस इक्वेशन में वाई को रहने दीजिए, बाकी सबको रिप्लेस कर दीजिए। एक्स को अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, यानी x की वैल्यू हो गई y प्लस 33। एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, y प्लस 33, ठीक है। y तो y ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जो z है इसको भी रिप्लेस कर दीजिए, तो z की वैल्यू क्या होगी, 18 आपका इधर आ जाएगा, माइनस z उधर चला जाएगा, तो z की वैल्यू हो गई y माइनस 18, y माइनस 18, ये सब मिलाकर कितने हैं, 180 डिग्री के बराबर। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू इधर हुआ 180 डिग्री, ये कितना होगा, 33 माइनस 18 ये होगा आपका 15, है ना, 15 प्लस 15 इधर है तो उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 165। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 3 हो जाएगी, करिए कितना होगा,
तीन पचे पंद्रह, एक बचा तीन पचे पंद्रह, यानी 55 डिग्री। तो 55 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। वाई ही ना पूछा था, तो वाई की वैल्यू 55 डिग्री आ गई है ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलिए, देखिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं इस सवाल का। क्या बोला है, एच आई जी एफ और डी ई समांतर रेखाएं हैं, एच आई जी एफ और डी ई। यदि डी जी बराबर 6 है, डी जी का मतलब ये वाला, ये छोटका सा जो है यहाँ पे, ये 6 है, जी एच, जी एच ये वाला आपका 4 है, एफ आई मतलब ये वाला, ये आपका कितना है, 8 है, तो ई एफ कितना होगा, यानी ये कितना होगा, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब चूंकि एक ही त्रिभुज में है और समांतर रेखाएं हैं, तो आपको बताया है कि रेशियो बराबर होता है एच जी यानी जी एच और डी जी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, एफ आई और ई एफ के रेशियो के बराबर। तो इधर देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, जी एच, जी एच है ना, जी एच डिवाइड बाई कितना, जी एच ये हो गया, और जी डी या फिर डी जी कह लीजिए है ना, डी जी ये जो रेशियो हो गए किसके बराबर होगा, हमने पहले ऊपर इसको लिया है तो इसके सामने ये होगा ऊपर, यानी एफ आई है ना, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, एफ ई या फिर ई एफ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक ना, जी एच कितना है आपको, 4 दिया है, तो यहाँ पे ये हो गया 4, डी जी कितना है, 6 है, ये हो गया 6 बराबर, एफ आई 8 दिया है, डिवाइड में यही तो चाहिए हमको एक्स है ना, ये आपका आ जाएगा 12, कैलकुलेट करेंगे तो है ना, ये 4 से ये 2 बार में कटा है ना, और यहाँ पे x को इधर ले जाइए, 6 को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 6 दूना 12। क्लियर हो गई ऑप्शन सी। आगे चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जान लेते हैं, यानी पाइथागोरस त्रिक किसको कहते हैं है ना। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है कि तीन ऐसे नंबर जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती हों, यानी कि तीनों समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जो संख्याएं निरूपित करेंगे वही आपकी पाइथागोरस त्रिक होंगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, तो क्या होता है ना कि अगर ये 3 यूनिट है, मतलब 3 है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीन नंबर हैं यहाँ पे, ये तीनों नंबर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, कौन कौन सी, 3, 4 और 5, ये 3, 4, 5 जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इन्हीं तीनों नंबर को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस त्रिक ट्रिपलेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इनको चेक कैसे करते हैं कि भाई कोई नंबर, तीन नंबर अगर दिए हैं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा या नहीं होगा, तो चेक करने का इसका एक तरीका है। देखिएगा, पहले तीनों नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब जो दो छोटे छोटे नंबर हैं, क्या उनको जोड़ने पर तीसरा नंबर मिल रहा है, 16 और 9 25 होता है, तो अगर दो छोटे नंबर को जोड़ने पर बड़ा वाला नंबर मिल जाए तो मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आइए इसमें चेक करते हैं हम लोग, 8 पहले क्या है, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर करके जोड़ना घटाना है। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, इन दोनों को जोड़ने पर क्या ये मिलेगा आपको, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़िए कितना होगा, 5, 4, 9, 6, 2, 8 और 2, 289 मिल गए ना इसके बराबर, तो मतलब ये ट्रिपलेट है। तो 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होगा, मतलब 8 और 15 ये दोनों भुजाएं होंगी, तो 17 आपका कर्ण हो जाएगा है ना, तो पहले ही ऑप्शन में मिल गया। बाकी को भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसमें नहीं मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। समझ में आ गए ना, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ऐसे दिया जाता है, ये आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जितने भी प्रश्न यहाँ पे करवाए गए हैं ये आपके रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। ठीक है ना, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये वीडियो भी पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए, उसको सुलझाने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।